Good morning, sir. Today my topic is skill of tuneless variation. इस स्किल को हिंदी में उद्दीपन कौशल भी कहते हैं. In tuneless variation skill, whenever a teacher is teaching, teacher gives certain sort of tuneless in order to attract the attention of the pupils. Teacher also brings variation in teaching learning process. Sometimes students, they are busy in doing one thing or the other. इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर को कुछ एक गतिविधियां करनी पड़ती है क्लासरूम में. So this tuneless variation skill, it brings variation in teaching learning process. इस स्किल के 8 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले है मूवमेंट. मूवमेंट जिसको कि हिंदी में गति कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं. सबसे पहले है मूवमेंट from one corner to another. ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करना. जैसे कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते कभी इस साइड आता है क्लास में, कभी पढ़ाते पढ़ाते टीचर इस साइड आएगा. इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य यह है कि टीचर को पता लगे कि क्लासरूम में क्या हो रहा है. वट एवर इज हैपनिंग इन द क्लासरूम, वेदर स्टूडेंट्स दे आर अटेंटिव और नॉट, वेदर दे आर लिसनिंग टू हिम और नॉट, फ्रॉम दिस कॉर्नर टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट दोज वर सिटिंग एट दैट कॉर्नर. एंड इफ टीचर इज कमिंग इन मिडल, देन टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट हु आर सिटिंग in between. And if teacher is coming from this corner to here, then teacher can observe the student, those who are sitting at that corner. मतलब teacher पूरी class पर अपनी निगाह रख सकता है, और जब teacher movement कर रहा है तो बच्चे का ध्यान जो है वो आकर्षित होगा. ये आ गई एक type की movement, that is movement from one corner to another. अब दूसरा movement है मूवमेंट टुवर्ड ब्लैक बोर्ड. मूवमेंट टुवर्ड ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है जब भी टीचर पढ़ाते हुए कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है उसको कहते हैं मूवमेंट टुवर्ड ब्लैक बोर्ड. तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर जो है जब भी ब्लैक बोर्ड की तरफ कुछ लिखने जाता है तब भी बच्चों का ध्यान जो है आकर्षित होता है. दे विल स्टार्ट लुकिंग एट द टीचर, दैट व्हाट टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. इसको भी हम ट्यूनलेस वेरिएशन के अंतर्गत यूज कर सकते हैं. थर्ड टाइप का मूवमेंट है मूवमेंट towards the students. Movement towards students. कई बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चे की तरफ जा सकता है. ठीक है, बच्चे की तरफ टीचर देखने के लिए जा सकता है कि बच्चा क्या कर रहा है. Whenever teacher will go towards the students, students again they will be attracted towards teacher and they will become attentive that teacher is coming towards me, teacher is watching me. So ye aage aake 3 prakar ke movements. Hamara next component hai skill ka gesture. जेस्चर का मतलब
में हाव भाव। जेस्चर जो है जब भी टीचर करता है क्लास में तो टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा जो है उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ये जेस्चर या हाव भाव है ये टीचर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि बच्चे को बता सके कि शेप क्या है किसी चीज की, साइज क्या है किसी चीज की, ठीक है। इन ऑर्डर टू शो दी शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, मोटा, छोटा, बड़ा, ये जो है शेप साइजेस, ये बताने के लिए टीचर क्या करता है, जेस्चर्स या हाव भाव का इस्तेमाल करता है। टीचर यूजेस फेशियल एक्सप्रेशन, टीचर यूजेस जेस्चर्स विद द हेल्प ऑफ हैंड, कम हियर, सिट डाउन, लाइक दिस। टीचर मेक द थिंग क्लियर टू स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ जेस्चर। जेस्चर ऑल्सो ब्रिंग वराइटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज पॉजिंग। कई बार टीचर बोलते बोलते रुकता है। Whenever teacher takes break or pause in a sentence, that is known as pausing. लेकिन ये जो pausing है वो 3 सेकेंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये exceed करती है तो वो proper pausing नहीं होगी। Whenever teacher is introducing some important things to the student, important topic to the student, suppose teacher is teaching regarding the independence, when did India got independence, teacher will say like this, India got independence in 1947. तो इनके बाद जो ब्रेक लिया टीचर ने, दैट इज नोन एज पॉजिंग। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस का मतलब है अपनी आवाज में परिवर्तन करना। टीचर कैन ब्रिंग वेरिएशन इन वॉइस, इट ऑल्सो क्रिएट वेरिएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लाइक हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ओह फॉर अ ग्लास ऑफ वॉटर ही हैज पास्ड अवे, वंस अपॉन अ टाइम। तो ये जो चेंज इन वॉइस में वेरिएशन जो लाई जाती है, ये वेरिएशन लाई जाती है पिच पे, स्पीड पे। और जब भी हम वेरिएशन लाते हैं वॉइस में तो बच्चे को पता लगता है हमारे बोलने के ढंग से कि क्या ये एक्सप्रेस किया जा रहा है, वेदर इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सम हैप्पीनेस और इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो और इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आर एंजाइटी और इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आर फ्रस्ट्रेशन। दिस वेरिएशन वी कैन ब्रिंग थ्रू चेंज इन वॉइस, ठीक है। आवाज में हम जो परिवर्तन लाएंगे उसी से बच्चे को पता लग जाएगा कि क्या टीचर जो है वो परिवर्तन ला रहा है शोक को दर्शाने के लिए या हर्ष को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये चेंज इन वॉइस जो हम परिवर्तन लाते हैं इससे भी हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वेरिएशन ला सकते हैं। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं उसमें हम वेरिएशन ला सकते हैं। जब कोई डायलॉग आ रहा है तो हम अपनी पिच को बढ़ा सकते हैं या उसको नीचे ला सकते हैं। हम अपनी
स्पीड को बढ़ा सकते हैं या उसको नीचे ला सकते हैं। तो इसी को कहते हैं चेंज इन वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब है अगेन बच्चे का ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ। कभी क्या होता है क्लासरूम में टीचर कोई विषय पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते जो है टीचर जो है वर्बल फोकसिंग भी कर सकता है, जेस्चरल फोकसिंग भी कर सकता है या वर्बल प्लस जेस्चरल फोकसिंग कर सकता है। वर्बल फोकसिंग क्या होती है? सबसे पहले है वर्बल फोकसिंग। फोकसिंग में तीन तरह की होती है। सबसे पहले वर्बल फोकसिंग मौखिक तौर पे कैसे टीचर परिवर्तन लाएगा। मान लो टीचर कोई कहानी पढ़ा रहा है प्यासा को, तो टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को कह सकता है लुक हियर और लिसन केयरफुली। तो जब भी टीचर ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है तो उससे क्या होगा, बच्चों का ध्यान फिर से आकर्षित होगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है कभी भी स्टेबल नहीं होता है। आफ्टर 3 मिनट्स आवर माइंड गोज वन और द अदर वे, सो वी स्टार्ट थिंकिंग वन थिंग और द अदर थिंग। तो जब भी बच्चे का ध्यान जो है क्लासरूम से हटता है और टीचर जब इन चीजों का इन वाक्यों का प्रयोग करता है लिसन केयरफुली लुक हियर देन दे अगेन बिकम अटेंटिव, दे स्टार्ट लिसनिंग टुवर्ड्स द टीचर। ओके, तो ये आ गया हमारा वर्बल फोकसिंग। दूसरा है विजुअल फोकसिंग और यू कैन से जेस्चरल फोकसिंग। अगेन जेस्चरल फोकसिंग में टीचर हाव भाव का इस्तेमाल कर सकता है। सपोज टीचर जो है SST में वर्ल्ड मैप की सहायता से या इंडिया के मैप की सहायता से पढ़ा रहा है। व्हाइल टीचिंग इन बिटवीन टीचर विल कम टुवर्ड्स दैट वेरी मैप एंड शो इट विद हिज हैंड और पॉइंटर और हैंड। That is known as gestural focusing. Okay? Teacher will point out that particular thing which is there on the map. Or teacher is teaching with the help of some picture. While teaching story, teacher can use some picture. Then at that time also teacher with the help of hand or pointer can show the picture in between whatever picture they are coming. That is also known as gestural focusing. Sometimes teacher write down something on the blackboard. Again teacher put line, any important point which teacher is writing on the blackboard and teacher is underlining it or encircling the thing, that is also known as gestural focusing. Okay, next is number third type of focusing, that is known as वर्बल प्लस जेस्चुरल फोकसिंग। हियर टीचर विल यूज बोथ द टाइप्स ऑफ फोकसिंग, दैट इज वर्बल प्लस विजुअल। मींस व्हेनेवर टीचर इज टीचिंग सम स्टोरी एट दैट टाइम व्हाट टीचर विल डू, टीचर विल say look here and listen carefully as well as while showing the picture regarding that very topic, teacher can say look here and simultaneously
teacher can point out that very object which is there on that very picture. That is known as verbal plus visual focusing. Okay, so these are the three types of focusing. Next is oral to visual switching. Again, this oral to visual switching, they are of three types. Oral means when teacher is speaking and students they are listening. That is known as oral. There is one more word, oral. Oral means to say something orally, but here it is oral. Oral means to listen. So there is number one type of switching is that is from oral to visual. Here what the teacher is doing, teacher is स्पीकिंग, टीचर बोल रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, सुन रहा है. और बोलते बोलते टीचर जो है अपने साथ कोई मैप लाया है या फिर कहानी पढ़ा रहा है तो पिक्चर लाया है या कोई डायग्राम ड्रॉ किया है तो वो उस बच्चे को दिखाना शुरू कर देता है. जब वो बच्चों को दिखाना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं, ओरल टू विजुअल स्विचिंग. नंबर सेकेंड इज visual to oral switching. Visual to oral switching. इसमें टीचर क्या करेगा, पहले पिक्चर दिखाएगा या कोई डायग्राम है वो दिखाएगा visually. And then teacher will start explaining that very thing. That is known as visual to oral switching. ठीक है. अब third type का जो switching है वो है oral plus visual switching. Oral plus visual switching. इसमें क्या है, इसमें टीचर बोल भी रहा है ठीक है और साथ में दिखा भी रहा है, इसलिए इसे oral plus visual switching कहते हैं. मान लो टीचर कोई कहानी करवा रहा है ठीक है और वो साथ में अपने चार्ट लाया है या कोई पिक्चर लाया है तो टीचर क्या करेगा, बोलेगा और साथ में उस चार्ट या पिक्चर को दिखाएगा. सो दैट इज नोन एज ओरल टू विजुअल स्विचिंग. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न. चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न. ठीक है. अब चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न मतलब टीचर जो है बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे वार्तालाप करेगा. ये स्टडी जो है तीन तरह के होते हैं. पहला है टीचर टू होल क्लास. ठीक है. इंटरेक्शन पैटर्न बिटवीन टीचर टू होल क्लास. यहां टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते कोई प्रश्न पूछेगा ठीक है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछेगा वो किसको पूछेगा, पूरी क्लास को. ठीक है. मीन टीचर इज टीचिंग द टॉपिक रिलेटेड टू दैट वेरी टॉपिक. टीचर विल पुट क्वेश्चन टू द होल क्लास and then students they will raise their hand and teacher will ask one of the students that very answer and student one particular student will stand up and give the answer. लेकिन इसमें क्या होगा कि teacher जो है प्रश्न जो है पूरी class को पूछेगा, किसी individual student को नहीं. प्रश्न जब भी रखना है पूरी class को रखना है इसमें. ठीक है. जैसे who is the president of India. अब
जब टीचर ये प्रश्न कर रहा है तो टीचर प्रश्न किसको कर रहा है? पूरी क्लास को, ठीक है। और फिर उनमें से एक बच्चा जो है वो उठेगा और उस प्रश्न का आंसर देगा। इसलिए इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? टीचर टू होल क्लास इंटरेक्शन। सेकेंड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन इज टीचर टू प्यूपल। इसमें टीचर क्या करेगा? एक बच्चे को जो है उठाएगा और प्रश्न पूछेगा, लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूजा यू स्टैंड अप एंड टेल। मीन्स टीचर ने क्या किया, एक बच्चे का नाम लिया, पर्टिकुलर बच्चे का। इसमें टीचर पूरी क्लास को नहीं उठा रहा है, सिर्फ एक बच्चे से प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है तीसरे तरह का जो पैटर्न है वो है प्यूपल टू प्यूपल। इसमें टीचर जो है कोई टॉपिक दे सकता है बच्चे को एंड स्टूडेंट्स दे कैन डिस्कस रिगार्डिंग दैट वेरी टॉपिक। दिस इंटरेक्शन इज रिगार्डिंग द प्यूपल टू प्यूपल इंटरेक्शन। टीचर ने पुट एन क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड इफ स्टूडेंट इज अनेबल टू गिव द आंसर, टीचर कैन गिव द चांस टू अनदर स्टूडेंट एंड ही विल रिप्लाई दैट वेरी आंसर, और टीचर कैन गिव एनी टॉपिक फॉर डिस्कशन। But this type of interaction leads to noise. It creates disturbance in the classroom. That is why we generally avoid this type of interaction. And the last interaction is the last component is your pupil's physical participation. लास्ट कंपोनेंट है प्यूपल फिजिकल पार्टिसिपेशन। इसमें जो है टीचर बच्चे को जो है पार्टिसिपेट करवाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। कैसे? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि कैसे करवाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चा जो है कोई प्रश्न का उत्तर दे रहा है, ठीक है, और उसने सही उत्तर दिया है तो टीचर क्या करेगा, teacher will call that particular student to come and write down on the blackboard the correct answer of that very particular question, or teacher may ask the student to bring some map or some globe which is lying over there. That is also known as pupil's physical participation, theek hai। Ya phir teacher jo hai suppose SST का उसने कोई टॉपिक लिया है और उसमें जो है मैप में कुछ दिखाना है, तो टीचर जो है बच्चे को कह सकता है कि आओ और मुझे दिखाओ कि ये लीवर जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। या फिर टीचर जो है कोई स्टोरी पढ़ा रहा है हिंदी या इंग्लिश में, देन टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू कम एंड शो द पिक्चर रिलेटेड टू दैट वेरी स्टोरी, दैट व्हाट डज द क्रो इज डूइंग इन फर्स्ट पिक्चर और व्हाट डज the crow is doing in the second picture, okay। तो जब भी बच्चा जो आता है और physically participate करता है teaching learning process में, that is known as pupil's physical participation। तो इस skill के जो है 8 components हैं और ये skill का main मकसद यही होता है कि बच्चे का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, okay। So the main aim of this skill is to bring a variety in teaching learning process and to make them attentive in teaching learning process, to create their attention towards the teachers, okay। I hope you may have understood this very topic. Thank you।